सो हे गाइस, माय नेम इज शक्ति सिंह। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग विद अ न्यू मॉर्निंग। सो गाइस, फिलहाल आज की मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है हॉस्टल में। टाइम हो रहा है समथिंग 8:30 बज रहा है अभी मेरे को। 10 बजे वैसे राजस्थान के लिए निकलने का था, बट 9:30 तो यही हो गया। ये देखो, ये BTS वाला बाल कर दिया मैंने ऐसा। उठ के अभी पहले चाय लेके आया, ये फिर चाय पार्टी चल रही है। दो मेरे, एक इनका, ये पार्ले बिस्किट, ये अपना पार्ले गटोस। तो ब्लैक किड वगैरह भी सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। सबसे पहले उठते क्या, आँख खुलते चाय चाहिए, तो बस अभी चाय पीते हैं, तो रेडी होते हैं, मिलता है आपको। हाँ गाइस, तो फिलहाल अभी नहा धोकर रेडी होकर निकल गया मैं, मतलब ऐसा बस स्टैंड के लिए निकल गया। अभी वापस कल परसों में कलोल जाकर, और आज वापस कलोल निकलने का मेरे को। फिलहाल अभी पहुँच गया दीदी के घर पे मैं, और किस चीज़ के लिए, ये चार्जर के लिए। चार्जर के चक्कर में मेरे को इतना उधर से इधर, इधर से उधर, नहीं तो मैं डायरेक्ट अहमदाबाद से डायरेक्ट राजस्थान के लिए निकल जाता हूँ, बट उधर से कलोल, फिर कलोल से अभी डायरेक्ट राजस्थान के लिए आना पड़ेगा। एप्पल का चार्जर, अभी इसको मैं दूसरा लेता तो 2000 का चार्जर पड़ता, मिला चलो भाई यार वापस, इतना आना जाना होगा चलेगा, बट चार्जर नया नहीं लेना जो है वो लेते हैं बस। अभी तो ये काम तो हो गया, अब यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं राजस्थान, मिलते हैं आपको। पहुंच गया अभी, मतलब कैसा, एक बस चेंज करी पहले अहमदाबाद टू कलोल, फिर कलोल से उसके बाद मैं अभी डायरेक्ट आबू रोड पहुंचा मैं, और आबू रोड से अभी एक और बस चेंज करके जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे जाना पड़ेगा। बस अभी बस के अंदर वेट कर रहा हूँ, तो मतलब 2 बजे से बस, 11 बजे से, 11 बजे से अभी 5:30 अभी तक बस में ट्रैवल चल रहा है ये पूरा। फाइनल डेस्टिनेशन मतलब आबू रोड तक पहुँच गया, आबू रोड से निकल के सब में जाना है, फिर मिलता हूँ। हाँ गाइस, तो फिलहाल मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुंच गया, मतलब कैसा, सुबह 11 बजे से निकला और अभी अंधेरा हो गया, देखो आपको लग रहा रहेगा 7 बज रहा है अभी, अभी फाइनली पहुंच गया मेरे डेस्टिनेशन, मतलब हाँ इतनी खुशी है, मतलब इतना दिनों बाद, 1.5 महीने बाद घर वालों से मिलूंगा मैं, बहुत टाइम हो गया था मिल के, तो मिला। अभी दीदी भी घर पर ही है, तो मैं भी आ गया यहाँ पे, तो बस अभी पापा का वेट कर रहा हूँ, आते हैं फिर चलते घर, मिलते हैं। चलो चलो अंदर चलो, प्रणाम। हाँ गाइस, तो फिलहाल अभी आके मतलब कैसा, थोड़ा ऊपर रेस्ट वेस्ट करके, कपड़ा चेंज करके, बाल को थोड़ा एकदम करना, बाल में BTS वाले कर रहा हूँ ऐसा ही हूँ। BTS वाले बिल्कुल नहीं करना, BTS तो क्या है मतलब, कोई बोले तो वो सब छोड़ो। अभी आया और ये मतलब अपना मस्त मिरर है ये, और अभी कैसा खाना वाना खाना, बोलते ना कि घर का काम तो घर का होता है, उधर तो कुछ ऐसा चलता रहता है, इधर देखो घी के साथ लतपत रोटी, मेरी फेवरेट सब्जी पत्ता गोभी, ये तो मतलब क्या है कि जो थोड़ा बहुत जो है ना वो सब खाने का, भी इतनी भूख लग रखी थी, तो माँ होती है, तो बस अभी थोड़ा बहुत खाते हैं फिर मिलते हैं आपको। सो हे गाइस, माय नेम इज शक्ति सिंह, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग विद अ न्यू मॉर्निंग। सो गाइस, फिलहाल ये ब्लॉग नया तो नहीं है, बाकी कैसा जो डे वन जो मैं गया यहाँ पे आया था, डे वन मतलब कैसा जो मैं राजस्थान में आया था, उसमें ये पूरा दिन निकल गया था बस में ट्रैवल वगैरह, तो मैं सोचा कि ये वो वाला ब्लॉग और ये वाला वीडियो दोनों मतलब मैसअप करके, दोनों मिक्स करके डे वन डे टू करके ब्लॉग डाला, तो मतलब आज कैसा, कल तो ट्रैवल में निकल गया, तो मैं आज जाता हूँ सब रिलेटिव्स को मिलकर आता हूँ, इतना टाइम हो गया घर पे जाता, दादा दादी से भी मिलकर आते हैं, तो फिलहाल अभी नहा धो के रेडी हो गया मैं, और कैसा कि आज मंडे है, तो मैं आज मंदिर भी जाके आ जाते हैं। जैसा मैंने अभी आप सारे शॉर्ट्स डाले हुए देखा आपने, मतलब कितना प्यारा प्यारा, मतलब शिवजी का मंदिर के, एक तो यही तो सबसे बड़ी खासियत है, मतलब यहाँ पे तो घोड़े भी है, 3-4 घोड़े 4 या 5 घोड़े हैं, गाय भी है, छोटे से छोटा सा बच्चा भी एक, मतलब वो समथिंग 7 या 8 दिन का ही होगा, छोटा सा गाय का बच्चा भी है, जर्मन शेफर्ड भी है, सब कुछ है यहाँ पे, गाय वगैरह पीछे मंदिर दिख रहा है आपको, मतलब इतना प्यारा मंदिर है। जब भी मैं राजस्थान आता हूँ ना, पहले तो राजस्थान में मतलब जब रह रहा था यहाँ पे, तब मैं हर मंडे फिक्स था यहाँ पे आना, मतलब और अलग ही लेवल का मज़ा, तुम सुकून बोलते ना, दिल को सुकून पहुँचता, वो मतलब क्या ही बताया आपको अभी मैं, मतलब सच वो लाइव देखने का मज़ा वो कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाएगा, कुछ ऐसा सीन वगैरह नहीं है, बट जो ये है नेचर वो बहुत ही प्यारा है।
अभी तो मतलब क्या थोड़ा कुछ कम हो गया, बाकी इधर सब कुछ था, बिल्ली भी थी कुत्ता भी था, वो दोनों भी साथ में रहते थे, घोड़े गाय सब थे। तो बस अभी यार थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं फिर चलते हैं, मिलते हैं आपको। सो गाइस फिलहाल टाइम हो रहा है समथिंग अभी 3 बज रहा है, और अभी कैसा मतलब मैं जा लास्ट मंदिर जाके आया, उसके बाद घर जाके थोड़ा मत खाना वाना खाने के बाद में दादा दादी के घर पर आ गया, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ ना एरिया स्वरूपगंज में, उससे थोड़ा सा 7 किलोमीटर आगे रोवीड़ा गाँव है छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट उधर की जो लोकेशन प्यारी प्यारी, मतलब मैं आपको वीडियो डालता हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर सकता इतनी, मतलब सारी बचपन की यादें ना वो सब यही से लगी हुई, अभी बचपन ही चल रहा है मेरा, वैसे 18 अभी लगा, बट जो पहला हम जब मैं चेन्नई रहता था तब यहाँ पे आता था सब भाई वगैरह साथ में, इतना लेवल का मजा आता था, मैं सारा कुछ डालता हूँ देखो। हाँ गाइस, तो मतलब जैसा आपने देखा मतलब ये तो एक ही लोकेशन थी, ऐसी 3-4 लोकेशन और है, मतलब अलग लेवल का। ये झूला देखा आपने, मतलब ये जो झूला है यहाँ पे इधर, मतलब हमने अभी लगा तो ये वैसे बहुत पहले भी था, बट पहले टायर था और टायर में बैठ के पैर बीच में डाल के अलग ही मज़ा था, बट अभी झूला लगा तो मतलब इसी जगह पे वो झूला वूला खाना जो पुराने मतलब मजे सारी याद है वापस ऊपर आया। तो मेरे को एक चीज़ दिखी, ये जो पेड़ है ना यहाँ पे, ये केरी का पेड़ है, ये यहाँ पे है और एक नीचे दिख रहा रहेगा शायद तक आपको वो वाला, हाँ इस साइड में उधर उस जगह पे पहले यहाँ पे आके नहाने का, ये जो दिख रहा है इधर से पूरा पानी नीचे आके यहाँ पहले नहाते थे हम सारे लोग, फिर उसके बाद में यहाँ पे आके कैरी खाने का लिए साथ में आता था, आज मैं आया बोला कि चलो साथ में घूम के आता है, चलते सेकंड लोकेशन पे। ये मतलब सेकंड लोकेशन कैसा, ये शिव जी का मंदिर है, और जस्ट देखो ये दिख रहा है आपको, ये सारी सीढ़िया पर ये नीचे कुआ, मतलब ये सारी चीज़ें ना आपको सिटी में देखने को नहीं मिलेगी, ये सारी आपको गांव में देखने को मिलेगी, और इतनी प्यारी जगह लगती है, मतलब आप देखो स्टार्टिंग से देखो वो सीढ़िया जैसी बनाया हुई है पूरी सीढ़िया, स्टेयर स्टेयर है सीढ़िया, और नीचे अभी भी इसके नीचे भी पूरा सीढ़ियों जैसा बनाया हुआ है, कुआ है ये, वैसे क्या बोलते हैं इसको बावड़ी, ऐसा राजस्थान की लैंग्वेज में इसको बावड़ी बोलते हैं, बट अगर आपको पता है इसको क्या बोलते हैं तो कमेंट में बताना मेरे को नीचे। उसके बाद में एक ये लोकेशन देखो, मतलब क्या ही बताएं लोकेशन के बारे में, ये पूरा आसपास में पेड़, ऊपर ये अरे ये पूरा यहाँ पे आप फोटोशूट वगैरह करो तो भी इतना प्यारा लगता है, इतनी मस्त जगह है कि क्या होता है, बात छोड़ो आप, पूरा हरियाली। हाँ गाइस, तो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है समथिंग 10:30 हो रहा है, और कैसा वहाँ पे मैं दादी के घर से आया ना, दादा दादी घर से, तो वहाँ से आते थे मेरे को 6:30 हो गया था, 6:30 समथिंग हो गया था, तो अंदर ऐसे ही हो गया था, मैं खाना वाना खाता हूँ फिर डायरेक्ट फिर ब्लॉग एंड कर रहा हूँ, मतलब कैसा कि जो मैच गया था ना वो एकदम सारी हार्ट टचिंग मेमोरीज थी, तो अभी ये ब्लॉग थोड़ा ज़्यादा बन गया रहेगा आज तो समथिंग 8-9 मिनट का हो गया रहेगा अभी तक, तो मैं ये ब्लॉग का ही एंड करता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं लेता क्योंकि 2 दिन का ब्लॉग मैं सब करके ही, आपको बताना मतलब कमेंट में बताना मेरे को 2 दिन का ब्लॉग अच्छा लगा या नहीं लगा आपको, सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस माय सब्सक्राइब बटन, टिल देन बाय।